गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न जीके क्लास थर्ड लेसन नंबर 1 लेसन नेम कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड लेसन नेम कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट्स इन दिस लेसन अ मैप इज गिवन विच शो द 7 कॉन्टिनेंट्स In this map, we have to fill color. 7 continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Antarctica, and Oceania. These are 7 continents in the world. Now, first of all, we will fill yellow and red color in Asia continent. Students, Asia is the biggest continent among all. It occupies 1/3 of the land area of our planet. There are oceans on 3 sides of this landmass. The Mount Everest, the highest peak in the world, is here. बच्चों, Asia continent, सभी continent में सबसे बड़ा continent है. इस continent के 3 साइड समुद्र है. और बच्चों जो माउंट एवरेस्ट है जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का वो कहाँ पर है एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है हमारा इंडिया बच्चों जहाँ हम रहते हैं हमारा देश इंडिया वो भी किस कॉन्टिनेंट में आता है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है स्टूडेंट्स अब हम यूरोप कॉन्टिनेंट में कलर फिल करेंगे हमें इसमें ब्लू कलर फिल करना है कौन सा ब्लू कलर फिल करना है देखिए मैंने ब्लू कलर फिल किया हुआ है यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड नाउ वी विल फिल डार्क येलो कलर इन अफ्रीका स्टूडेंट्स हम अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कलर फिल करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने किया हुआ है Africa is the second largest continent in the world. It is surrounded by oceans on all sides. Students, Africa दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि चारों साइड से किससे घिरा हुआ है समुद्र से किससे ये चारों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है The largest desert, the Sahara, and the world's longest river, the Nile River, are found here. बच्चों, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल और सबसे लंबी नदी नील नदी इसी कॉन्टिनेंट में स्थित है बच्चों अब हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कलर फिल करेंगे इसमें हमें ग्रीन कलर फिल करना है जैसा कि मैंने कलर किया है बच्चों आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको भी कलर फिल करना है नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस बच्चों नॉर्थ अमेरिका सभी कॉन्टिनेंट में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी स्टूडेंट्स अब हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कलर फिल करेंगे इसमें हमें डार्क ग्रीन कलर फिल करना है जैसा कि मैंने इस मैप में फिल किया है साउथ अमेरिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बच्चों साउथ अमेरिका संसार का 5th नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है द फेमस एमेजॉन रेन फॉरेस्ट आर फाउंड हेयर बच्चों जो फेमस रेन फॉरेस्ट है एमेजॉन के जंगल वो इसी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं नाउ स्टूडेंट्स वी विल फिल कलर इन अंटार्कटिका एंड ओशिनिया कॉन्टिनेंट्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस मैप में जहाँ मैंने
स्काई ब्लू कलर क्या है, वो क्या है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। और जहाँ मैंने डार्क स्काई ब्लू कलर किया है वो है ओशिनिया कॉन्टिनेंट। बच्चों, ओशिनिया कॉन्टिनेंट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ओशिनिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है संसार का। इन सभी कॉन्टिनेंट में ओशिनिया सबसे छोटा है। एंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। बच्चों, अंटार्कटिका फिफ्थ नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट संसार का सबसे ठंडा हिस्सा है। यहाँ पर पूरे साल बर्फ़ जमी रहती है। ये बर्फ़ की मोटी परतों से ढका हुआ रहता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट। बच्चों, अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने सभी कॉन्टिनेंट में कलर फिल कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एशिया में मैंने रेड एंड येलो कलर फिल किया है, यूरोप में डार्क ब्लू कलर फिल किया है, अफ्रीका में डार्क येलो कलर, नॉर्थ अमेरिका में ग्रीन, साउथ अमेरिका में डार्क ग्रीन, ओशिनिया में डार्क स्काई ब्लू एंड अंटार्कटिका में स्काई ब्लू कलर फिल किया है। स्टूडेंट्स, आपको भी इसी तरह से अपनी बुक में कलर फिल करना है। नाउ स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।